मेरे पास फोन भी आया था कल शाम को मेजर साहब के आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई अगर मरवाना चाहता ना तो पन्नू अभी ऊपर तक तो पहुंच चुका होता ठीक है पन्नू का चौथा हो चुका होता है मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अगले सौ हवाई जहाज अपने बाहर से ऑर्डर देते हैं और अमेरिका से ले लेते हैं यू आर डिपेंडेंट अपॉन दी अमेरिकन यू आर डिपेंडेंट अपॉन दी अमेरिकन सर्विस यू आर डिपेंडेंट अपन दी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कि जब एयर इंडिया के जहाज में कोई बैठेगा फिर देख लेना तो दो दे दे तो तीन दिन के बाद दोस्तों, मैं और आप देख रहेगा दोस्तों अच्छा दोस्तों इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूँ आपके लिए एक छोटा सा संदेश हमारी वेबसाइट है जबरदस्त किस्म के आर्टिकल है इसमें ब्रेकिंग न्यूज है इसमें आर्टिकल्स हैं टॉप आपको जनरल्स के मिलेंगे आर्टिकल्स डिप्लोमैट्स के आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको राय देंगे नेशनल सिक्योरिटी जियो फॉरेन अफेयर्स अफेयर जो आजकल की चीजें हो रही हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस तो जो लोग आप में से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आई के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्रकार के कॉम्पिटेटिव आई एस आईपीएस हो गया किसी और के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है जियो में मुझे लगता है कि आपको डब्ल्यू 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 डॉट चा जाना चाहिए हमारे मोबाइल फोन ऐप भी हैं आप एप्पल के यूजर हैं आप एंड्रॉइड के यूजर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दोनों तरफ हमारे मोबाइल फोन एप हमारे मोबाइल फोन एप्स डाउनलोड करिए और लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़िए है फ्री ऑफ कॉस्ट तो इंतजार किसका है दोस्तों डाउनलोड नाउ अब चलते हैं मेन खबरों पर दोस्तों यूके का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल टाइम्स उसमें खबर आई है कि अमेरिका में एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है उस साजिश का टारगेट सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि भारत में एक टेररिस्ट है अच्छा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश भारत ने यह ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला है कि इन्होंने रची है यानी कि इंडिया ने रची है अब बैकग्राउंड जाता है निज्जर के केस के बारे में जिसने कनाडा में भी यही बोला था कि भाई भारत ने मारा है भारत ने बोला प्रूफ दो उसने बोला साहब प्रूफ तो नहीं है लेकिन हम गोरे हैं हमारे पास पैसा है सब लोग यहां पे आना चाहते हैं कनाडा में जब इतना कुछ अच्छा है तो ये भी बात मान लो हमारी कि भैया इंडिया नहीं मारने की कोशिश करी कि अच्छा मैं देखिए मैं एक बात बताऊं आई डोंट थिंक मुझे लगता है मामला फ्रॉड का है मुझे नहीं लगता कि कोई पन्नू को मारना चाहता है क्योंकि पन्नू ने कभी कुछ करा नहीं है राइट इंटेलिजेंस एजेंसीज देखो निपटाती हैं इसमें कोई शक नहीं है अगर मैं बोलूं कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बिल्कुल साफ और पाक पाके ऐसा नहीं होता इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छे भी काम करती है बुरे भी काम करती है लेकिन आई डू नॉट थिंक कि भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या रॉ ने कोई प्लान बनाया होगा पन्नू को निपटाने का देखो पन्नू इज लाइक स्पोक्स पर्सन ठीक है पन्नू कुछ काम नहीं करता पन्नू कोई एक्शन नहीं लेता पन्नू सिर्फ बोलता है पन्नू के पास एक सस्ता सा कैमरा है चाइनीज पन्नू के पास एक सस्ता सा चाइनीज माइक है उस कैमरा को ऑन करता है माइक को ऑन करता है एक धमकी देता है

ये बहुत पहले मैं आपको ये मेरे कुछ चीजें हैं अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे हथियार बनाता है यह आपको पता है अब आप बोलेंगे साहब पन्नू से हथियार पे क्यों चले गए आप मैं आपको बताता हूं कनेक्टेड है अमेरिका में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनते हैं आपको क्या लगता है भारत ने फ्रांस से रफेल क्यों खरीदे सोचिए कभी इसके बारे में भारत ने फ्रांस से रफेल क्यों खरीदी अमेरिका से खरीद लेते अमेरिका तो खुशी खुशी देने को तैयार है वो आज की तारीख में एफ एटीन दो आप एफ थर्टी फाइव बोलो एफ एटीन क्यों यारोलो एफ थर्टी फाइव चाहिए आपको लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देगा इंडिया को देगा बिल्कुल देगा हंड्रेड परसेंट देगा क्या फ्रांस ने जो हमें छत्तीस रफेल दिए थे क्या उन्होंने ट्रांसफर करी थी टेक्नोलॉजी नहीं नहीं करी थी ना वो आगे चल के करेगा नेवल वर्जन के लिए जो छब्बीस और खरीद रहे लेकिन इसमें तो नहीं करी थी पहले वाले में जहां तक मुझे नॉलेज है फिर ये चक्कर क्यों हुआ भारत ने क्यों खरीदा अमरीका से क्यों नहीं खरीदा भारत साउथ uh, कोरिया से खरीद रहा है भारत इसराइल से खरीद रहा है अमेरिका से भी खरीद रहा है लेकिन भारत हर चेक अमेरिका को नहीं देता यहां तक कि भारत ने रूस के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़े एस फोर हंड्रेड जो मिसाइल सिस्टम है वो लिया भारत ने रूस से भारत ने अमेरिका से नहीं लिया अमेरिका के पास ए टू जेड एयर डिफेंस केपेबिलिटी आप बोलो आपको क्या चाहिए दे हैव एवरीथिंग फॉर लोअर ऑल्टीट्यूड्स्यूड एवरीथिंग अमेरिका के पास तो ऐसे हथियार है कि दुनिया ने किसी ने देखे नहीं ऐसे हथियार है और इंडिया को देने को तैयार है लेकिन इंडिया ने नहीं खरीदे क्यों नहीं खरीदे आपको तो एक चेक देना हर चीज अमेरिका से आ जाएगी फिर चक्कर क्या मैं आपको बताता हूं और पन्नू से चीज कैसे जुड़ी है कहीं ना कहीं भारत में यह बात है और यह बात सच है कि अमेरिका की नीयत पर आप विश्वास नहीं कर सकते अमेरिका की नीयत पर विश्वास नहीं कर सकते आप अमेरिका को पता है कि खालिस्तान का एक मसला है अमेरिका को पता है कि ये लोग धमकी देते हैं और हमारे एम्बसीज पर अटैक करते हैं ये सब करते हैं ये अमेरिका को पता है ठीक है अमेरिका नहीं चाहता मैं आपको बताता हूं देखिए नेगोशिएशन के टूल्स होते हैं मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता देता हूं और आपको यही बात पता लगेगी बाद में एक दो महीने के बाद क्योंकि ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एनालिसिस भी और मेरी सेंस भी है इसमें आप जब किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं आप जब किसी के साथ मोल भाव करते हैं किसी भी चीज का खरीदने का नहीं कोई भी मैटर के लिए आप मोल भाव करते हैं कोई भी चीज के लिए मोल भाव करते हैं तो आप यू वॉन्ट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ आप चाहते हैं कि आपका पल्ला भारी हो तभी आपकी बात रखी जाएगी अगर आप कमजोर हो गए तो फिर तो दूसरा बंदा हावी हो जाएगा और डील आपके हाथ से निकल जाएगी यही स्टोरी है यही स्टोरी है पहले कनाडा का गेम रचा गया कि निज्जर को मार दिया निज्जर को मार दिया अब ये कह रहे हैं कि पतवंत अब पतवंत को मार दिया ये तो कह नहीं सकते क्योंकि पतवंत तो जिंदा है तो गुरपतवंत को मारने की साजिश मारने की साजिश हमें पता लगा इंडिया देखो सुनो पन्नू को मरवाना इतना मुश्किल नहीं है अगर किसी को भी गलत फहमी हो पन्नू इज नॉट अ स्टेट प्रोटेक्टिव पन्नू को मरवाना इतना मुश्किल नहीं है और अगर पन्नू को निपटाना होता तो बहुत पहले पन्नू निपट चुका होता पन्नू बीन अ गोनर लेकिन पन्नू को कोई निपटाना नहीं चाहता नो बडी वॉन्ट्स टू किल हिम राइट बिकॉज He's a nuisance, but he बट not you you see <coughs> terrorism का साथ देता है but Pannu में इतना कलेजा नहीं है कि किसी को गोली मार दे या कहीं ग्रेनेड फेंक दे Pannu is like a very bad TV anchor, ठीक है जो TV studio में बैठ कर nuclear war की बात तो कर सकता है लेकिन वो खुद बटन नहीं दबा सकता जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों अब मैं आता हूं ये जो हथियार वतियार का मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं ना है क्या मैं आपको बताता हूं अमेरिका और इंडिया के बीच में प्यार तो है लेकिन उससे ज्यादा जो आपको नहीं दिखाई देता वो तकरार भी है और तकरार किस चीज की है अमेरिका चाहता है कि भारत चीन पे अग्रेसिव कदम ले अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की लड़ाई भारत चीन से लड़े अमेरिका को आदत है पाकिस्तान जैसे फटीचर देश की जिसके सामने एक हड्डी डालो तो पूंछ भी हिलाएगा भौंकेगा भी काटेगा भी और अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान का पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया अमेरिका का पाकिस्तान ने डॉलर नोचे इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दी जो भी बची कुची टूटी फूटी इनकी इकोनॉमी थी और इनके अस्सी हजार बंदे मरवा दिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा तो ये सब इनका लेन देन चलता रहता है उनको वही रिलेशनशिप भारत के साथ चाहिए भारत मान नहीं रहा अमेरिका चाहता है क्वाड आप क्वाड के बारे में जानते हैं ना अमेरिका चाहता है कि क्वाड वेपनाइज हो जाए यह अमेरिका की दिली ख्वाहिश है क्वाड में कौन कौन लोग हैं क्वाड में अमेरिका है इंडिया है जापान है ऑस्ट्रेलिया है भारत ने इसको ट्रीटी नहीं बनने दिया डॉक्टर जयशंकर का बयान आया था कुछ समय पहले भारत ने इसको ट्रीटी नहीं बनने दिया क्योंकि ट्रीटी इज अ प्रॉमिस भारत ने ट्रीटी नहीं बनने दिया अमेरिका ने बोला नेटो में आ जाओ नेटो प्लस भारत ने मना कर दिया भारत की जो खुद मुख्तारी की पॉलिसी है भारत की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की स्ट्रेटेजिक सॉवरनिटी की यह जो भारत की पॉलिसी है यह अमेरिका को खटकती है अमेरिका यह चाहता है कि वह आदेश करे और भारत उसके आदेश का पालन करे यह अमेरिका चाहता है और भारत ऐसा करता नहीं भारत ने आज तक नहीं करा भारत ने आज तक नहीं करा आज तो भारत के पास पैसा है जब नहीं था भारत तब नहीं करता था अच्छा भारत चाहता है कि जो अमेरिका हमसे ठीक है यानी कि Uh, अगर हम कोई हथियार खरीदें हम अमेरिका से खरीदें ये अमेरिका चाहता है क्यों सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे आएंगे उसके पास पैसा एक मुद्दा है पर वो सेकंड या थर्ड मुद्दा है फर्स्ट मुद्दा नहीं है आप जिससे हथियार लेते हैं आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास है अब कई लोग किल स्विच की बात करते हैं मैं किल स्विच की बात नहीं कर रहा हूं मैं किल स्विच की बात नहीं कर रहा मैं कुछ और कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अगले सौ हवाई जहाज अपने बाहर से ऑर्डर देते हैं और अमेरिका से ले लेते हैं यार। आप के सामने हर पहुंच है गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना गाड़ी की सर्विसिंग होती है भाई अगर आपके पास आपके घर में अगर एक हजार गाड़ियां हैं अगर आपके पास एक हजार गाड़ियां मैं बोल रहा हूं एक हजार गाड़ियां हैं और एक ही टाइप की हैं एक ही कंपनी की एक हजार गाड़ियां अगर आपके घर में हैं तो क्या सर्विस सेंटर और पेट्रोल पंप आपके घर में नहीं होना चाहिए होना चाहिए ना कि आप हर समय कंट्रोल कर सकें इट शुड बी अंडर कंट्रोल कि क्या है कैसा है किस तरीके से है यही कंट्रोल जो होता है लड़ाई में यूक्रेन और रूस के दोस्तों जो लड़ाई हुई उसमें सबसे बड़ा जो इंडियन आर्मी ने सबक क्या सीखा है कई सबक सीखे आर्मर्ड को लेकर आर्टलरी को लेकर इन्फेंट्री को लेकर टैक्टिक्स को लेकर स्ट्रेटजी को लेकर हजारों सबक है लेकिन सबसे बड़ा जो सबक सीखा है वो आत्मनिर्भरता का सीखा है सेल्फ रिलायंस का सीखा है कि बॉस अगर आपको लड़ना है तो गोला बारूद आपके देश में बनने चाहिए किसी और से लेके मांग के खरीद के भी आप लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते आज की तारीख में इसराइल जो कि काफी अपने हथियार बनाता है काफी सब नहीं काफी उसको कमी पड़ रही है गोला बारूद की वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है अब कल अगर किसी का दिल पसीज गया कि यार इसमें तो पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं तो ऑफ कर देगा मामला डिले कर देगा वो बोलेगा ठीक है इसराइल हमारा दोस्त है हम पर जान छिड़कते हैं लेकिन हमें जो देना था ना सोमवार को अब हम इतवार को देंगे हो गया चार पांच दिन का डिले छह दिन का डिले गेम खत्म तो दोस्तों ये सब चीजें होती हैं अब ये पन्नू वाला केस है पन्नू वाले केस को इस्तेमाल करके भारत पे दबाव डाला जा रहा है और अमेरिका इसका देखना होना जाना कुछ नहीं है इसका मैं आज आपको बता रहा हूं ये कल शाम को उजागर हुआ था केस मैं आज आपके सामने गारंटी के साथ कह रहा हूं इसका कुछ होना जाना नहीं है ये जैसे निज्जर वाले मामले का कुछ हुआ नहीं कुछ नहीं हुआ ना इसका भी कुछ नहीं होगा बस इंडिया ने मार दिया इंडिया ने मार दिया इंडिया ने मार दिया करके एक माहौल बनाएंगे दबाव डालेंगे कुछ नहीं पता पीछे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है कुछ नहीं पता अरबों डॉलर के इधर से उधर की बात चल रही है स्टेट टू स्टेट स्टेट टू स्टेट ठीक है अभी सौ लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका चाहता है कि अमेरिका को मिल जाए क्यों क्योंकि अगर अमेरिका को हम पैसे देंगे और अमेरिका में हवाई जहाज देगा एक तो उसके बाद पैसे आएंगे क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्री वेपन्स की दुनिया की सबसे बड़ी है इसमें कोई शक नहीं है और दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है भारत अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएगा स्पेट्स के लिए भारत सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर फिर आपको अमरीका की कहानी सुननी पड़ेगी अब आप समझ गए भारत ने रफेल क्यों लिया जो लोग कई कारण थे रफेल लेने के मैं ये नहीं कह रहा कि यही कारण था कई कारण थे कई कारण थे इट वॉज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट इट वॉज द बेस्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को वही एयरक्राफ्ट चाहिए था ये सब कारण थे लेकिन एक कारण ये भी था जब आप बड़ी डील करते हैं ना दोस्तों अरब डॉलर की तो वो डिप्लोमैटिक मैरिज होती है दो मुल्कों के बीच में दो देशों के बीच में एक डिप्लोमैटिक शादी होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट होता है ये स्टोरी है ये कहानी पन्नू पन्नू को कौन मार रहा है यार मैं खुद नहीं चाहता पन्नू मरे मैं खुद नहीं चाहता पन्नू प्रोवाइज एंटरटेनमेंट यार बीच बीच में धमकी दे देता है कि जब एयर इंडिया के जहाज में कोई बैठेगा फिर देख लेना इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ हॉरेबल कॉन्सिक्वेंस मैं तो कह रहा हूं पन्नू एक और धमकी दे दे यार वीकेंड आने वाला है दो तीन दिन के बाद एक और धमकी दे दे विल इंजॉय इट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मेरी बात मानिए ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो गोरे देश है ना इनको भारत से कुछ चाहिए भारत मान नहीं रहा यह दबाव डालने का एक तरीका है आप वरना कैसे दबाव हम उनसे पैसे लेते नहीं पाकिस्तान थोड़ना है कि पैसा फेंका और काटना शुरू कर दिया वो तो पाकिस्तान काम करता है इंडिया तो करता नहीं है अब इंडिया पे दबाव कैसे डालोगे पैसे करो आप दिखा नहीं सकते इंडिया को कि तुम तुम्हें हमसे लोन चाहिए इसलिए ना कर सकते हो नहीं कर सकते ना इंडिया बोला भाग यहां से गेट आउट इंडिया रास्ता दिखा देगा दरवाजे का तो अगर आप पैसे का दबाव नहीं डाल सकते तो आप किसी और चीज का दबाव डालोगे जिसमें आपको लगता है कि लोग विश्वास कर लेंगे यार कि क्योंकि लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में अज्ञात व्यक्ति मार रहे हैं पाकिस्तान में हर जगह ठोक रहे हैं पाकिस्तानी खालिस्तानी और आम तौर पे पर इंडियंस ने भी सोशल मीडिया पे फैला रखा है कि हाँ हमने ठोक दिया हमने ठोक दिया हमने ठोक दिया जिसको पता ही नहीं किसने ठोका है वो खुद ही कह रहा है हमने ठोक दिया वो खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडिया ने कर दिया इंडिया ने कुछ नहीं करा अंत बुरे का बुरा ठीक है जो हथियार उठाएगा हथियार से ही ठोका जाएगा वो पतवंत को ये पन्नू जो भी इसका नाम है इंडियंस आर नॉट प्लानिंग टू किल हिम दिस इज ऑल जियो पोलिटिकल प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो निज्जर का खेल था कैनेडा में ये तो बेकूफ है ये जस्टिन ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो तो एक छोटा सा पॉन जिसको कहते हैं ना ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट पीछे जो फाइव आइज का केस आया था कि फाइव आइज फाइव आइज का सबसे सीनियर मेंबर कौन है अमेरिका है ये तो यूएस ने दे रखा सारा इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ना दिया न्यूजीलैंड ने थोड़ा ना दिया दिस इज कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब यूएस को ये लगा कि भारत के ऊपर निज्जर का दबाव नहीं पड़ा कि निज्जर को मार दिया निज्जर को मार दिया भारत ने ठीक है तब अमरीका ने बोला अब चलो दूसरा पन्नू का दबाव डालता है कि हमें पता लगा है कि एक साजिश हुई है पन्नू को म... यार एक बात बताओ यूएस में दुनिया भर के हथियार हैं किसी को दस बीस हजार डॉलर दे दो किसी भी ड्रग एडिक्ट को पन्नू को ठोक देगा यार ये कोई बड़ी बात है पर इंडिया ने ऐसा नहीं करा है ये सब झूठ है आपको कह रहा है बिश्नोई ने मार दिया लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिया मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई को देखो एक और बात बता दो मेरे पास फोन भी आया था कल शाम को कि मेजर साहब क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई अगर मरवाना चाहता ना तो पन्नू अभी ऊपर तक तो पहुंच चुका होता ठीक है पन्नू का चौथा हो चुका होता अभी तक अगर लॉरेंस बिश्नोई चाहता उसको टपकाना ये आप मान के चलो अच्छा दोस्तों एक दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है और रूस का सपोर्ट मांगा है तो पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स अब ब्रिक्स क्या है ग्रुपिंग ऑफ नेशंस है और इसमें आ, यू नो जो कंट्रीज हैं बी फॉर ब्राजील आर फॉर रशिया आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका पहले ब्रिक हुआ करता था बी आर आईसी ब्रिक साउथ अफ्रीका एड हो गया ब्रिक्स हो गया आप एक बात सोचिए ये ये बनाया क्यों ये एमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए था ब्रिक्स ब्रिक्स का जो चार्टर है ना वो ये कहता है कि एमर्जिंग इकोनॉमीज जो फल फूल इकोनॉमीज रही हैं जो बड़ी इकोनॉमीज बन रही हैं धीरे धीरे उभर रही हैं पूरी दुनिया में उसके लिए ब्रिक्स बनाया था पाकिस्तान कैसे सूट करता है ब्रिक्स में वो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं बन सकता मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकता है ठीक है पाकिस्तान को अगर सपोर्ट मिल गया तो हो सकता है पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए पर पाकिस्तान करेगा क्या कहावत है ना पुरानी की बंदर को मिली हल्दी उसने अपने मुंह पर मल दी तो भाई पाकिस्तान करेगा क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन गया एमर्जिंग इकोनॉमी है नहीं तो डूबी हुई इकोनॉमी है या तो जो ब्रिक्स के पास फंड पड़ा है उस पर पाकिस्तान की नजर है चोर तो हैं ये लोग। उस फंड पे नजर है पाकिस्तान पैसे दे नहीं सकता या फिर पाकिस्तान सीधी सीधी बात है ब्रिक्स के अंदर परमानेंट मेंबर बनेगा और चाइना की प्रॉक्सी बनेगा चाइना बोलेगा अच्छा सोन हो रे फलवी जो भी उस समय उनका प्रेसिडेंट होगा या अगर प्राइम मिनिस्टर होगा या उनका कोई भी नवाज शरीफ होगा या कोई भी होगा उनका जनरल वनरल आसिम मुनीर जो भी होगा बोले नवाज ऐसा वोट करना करा जी मालिक जो हो गुम आपका ये स्टोरी है ठीक है अब ये कह रहा है कि हम रशिया से देखिए कमेंट क्या है ये आ, रशिया की न्यूज एजेंसी टाइस टी ए डबल एस इसने बोला पाकिस्तान वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान इन जनरल एंड द रशियन फेडरेशन इन पर्टिकुलर अच्छा ये ये किसने बोला है ये रशियन न्यूज एजेंसी टास्क ने रिपोर्ट करा पर ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं कि हम बेसिकली uh, हमने कांटेक्ट uh, करा है हम रूस से कांटेक्ट कर रहे हैं ये सब ये इन्होंने मौ, ये मोहम्मद खालिद जमाली ने बोला है ये पाकिस्तान का जो ऑन वॉय है मॉस्को में यानी कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है मॉस्को में ये खलीली खालिद मोहम्मद खालिद जमाली जमाली ने कांटेक्ट करा और जमाली ये कह रहा है कि मुझे भाई हम लोग चाहते हैं कि हम ब्रिक्स का मेंबर बन जाएं फिर मैं कह रहा हूं फिर मैं कह रहा हूं ब्रिक्स का ब्रिक्स इज़ फॉर इमर्जिंग इकोनमीज हो सकता है कि तीन चार लोगों का सपोर्ट मिल जाए पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या पाकिस्तानी देखो मैं मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाएगी हम ब्रिक्स के मेंबर बन गए मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान जी सेवन का मेंबर बन गया तब पाकिस्तान क्या कर लेगा अगर पाकिस्तान क्वाड का मेंबर बन गया तब पाकिस्तान क्या कर लेगा पाकिस्तान ऑकस का मेंबर बन गया तब पाकिस्तान क्या कर लेगा और पाकिस्तान आज की तारीख में जिस चीज का मेंबर है लेट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है ना पाकिस्तान अकेला मुल्क है ना दुनिया में पाकिस्तान मुसलमान मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है तब पाकिस्तान ने क्या कर लिया ये बता दो अभी आईएमएफ से भीख मांग के गए फिर कहते हैं भाई साहब पैसा आया नहीं लेकिन दोबारा भीख चाहिए सात सौ आठ सौ मिलियन डॉलर का अप्रूव करा वो पैसा आया नहीं इनके बैंक में भाई कटोरा लेके फिर पहुंच गए कह रहे यार दूसरे वाले की भी हमने तैयारी कर दी है फिर अपने लोगों को झूठ बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया यहां पर दस अरब डॉलर डालेगा रिफाइनरी बनाएगा अब क्यों बनाएगा तुम्हारे यहां नहीं इसलिए बनाएगा क्योंकि मुसलमान देश है इतना तो दिमाग है इन लोगों के ये तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है आ जाओ ब्रिक्स में बिल्कुल स्वागत है यार अगर सारे लोग अग्री करते हैं या कुछ लोग अग्री करते हैं पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने का जरूर ब्रिक्स में लाओ ब्रिक्स का मेंबर बनाओ पाकिस्तान को क्या दिक्कत है इसमें देर इज नो प्रॉब्लम

और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझा दो कि साहब हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा पैसे तुम्हारे पास है नहीं ठीक है पैसे तुम्हारे पास है नहीं एक्सपोर्ट तुम्हारा है नहीं इंपोर्ट तुम्हारा है नहीं डिप्लोमेसी तुम्हारी है नहीं इज्जत तुम्हारी है नहीं तुमने ब्रिक्स में क्या करना धनिया छीलना यहां बता दो कि साहब हमें ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनाओ फिर हम ये काम करेंगे बताओ ना एक बार बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है बन जाओ स्वागत है तुम्हारा बन जाओ योर वेलकम लेकिन करोगे क्या तुम्हारा आउटपुट क्या है यह बता दो और आज तक छिहत्तर साल में तुम्हारे देश का आउटपुट रहा क्या यह भी समझा दो मैं छिहत्तर साल पहले जिन्ना ने एक देश बनाया था जिसको जिन्ना कहता था मोथ ईटन फैज अहमद फैज की बड़ी मशहूर एक एक नज्म है जिसमें लिखा है कि ये दाग दाग उजाला ये शव गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं ना कहीं दिस मोथ ईटन डॉन एक बदनसीब मुल्क जो एक लोन से दूसरी लोन की तरफ जाता है बस आज इससे भीख मिल गई कल उससे भीख मिल गई आप आना आप क्वाड में स्वागत है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में पाकिस्तान का स्वागत है यार लेकिन करोगे क्या क्या ये ये तो बताओ और और कर क्या सकते हो ये भी समझा दो एक बार जस्ट फॉर जनरल नॉलेज दोस्तों एक आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो अफगान रेफ्यूजी वापस भेजे थे बोला था कि तुम चले जाओ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है उन अफगान रेफ्यूजियों से भी पाकिस्तान ने बोला है कि एक एक बंदे से 830 डॉलर लेंगे अच्छा इसका कोई लॉजिक नहीं है तुम उनको भगा रहे हो पाकिस्तान से जो भी कारण है मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता आई विल नॉट से कि हुआ हुआ था तब ये हुआ था तब वो कई बार समझा चुका हूं मैं आई डोंट टू टू इट फिर तुम कहते हो हमारे मुसलमान भाई हैं भी मुसलमान थे भी थे तुसे भी मुसलमान तुम भी नमाज पढ़ते हो तुम भी रोजा रखते हो हम भी नमाज पढ़ते हैं हम भी रोजा ये सब कहानियां सुनाते हो ठीक है कि हम तो कलमा पढ़ के बने थे ये सब फिर तुम उन मुसलमानों को उन बदनसीबों को एक तो यहां से निकाल रहे हो पाकिस्तान से चलो तुमने फैसला कर दिया तुम्हारा मुल्क है अच्छा है बुरा है जैसा भी है तुम्हारा फैसला है तुम्हारी सोवरेनिटी है तुम्हारी खुद मुख्तारी है तुमने बोला निकलो वो निकल रहे हैं निकल तो रहे हैं ना वो अब तुम कह रहे हो कि नहीं एक तो हम तुम्हें धकेल के बाहर निकालेंगे लेकिन जाने से पहले तुम आठ सौ तीस डॉलर हमें देकर जाओ और कैसे देकर जाओ क्रेडिट कार्ड से देकर जाओ अब जो फल बेचता है उसके पास क्रेडिट कार्ड कहां से आया जो फल बेचता है उसके पास क्रेडिट कार्ड कहां से आया वो कहां से लाएगा क्रेडिट कार्ड जो रेडी चलाता है वो क्रेडिट कार्ड कहां से लाएगा जो ड्राइवर है जो सब्जियां बेचता है वो क्रेडिट कार्ड कहां से लाएगा ये तो अमीरों के चौंचले हैं क्रेडिट कार्ड के ये तो मिडिल क्लास के चौंचले हैं उसमें से काफी अफगान जो है बड़े बेचारे बदनसीब गरीब लोग हैं अब उनसे तुमने ये अब पाकिस्तान को आठ सौ तीस डॉलर के सामने इस्लाम व इस्लाम को बोला कि भाई इस्लाम तुम तो कोने में बैठो जरा तुम्हारे साथ बाद में डील करेंगे हम इनका इस्लाम पता है कब जागता है पाकिस्तानियों का इनका दोस्तों इस्लाम तब जागता है जब ये सऊदी अरब से डॉलर मांगने जाते हैं जब डॉलर मांगने जाते हैं जब एक गल्फ कंट्रीज के सामने जाते हैं OIC के सामने अपना कटोरा डालते हैं कि भाई अल्लाह के नाम पर हमें कुछ दे दो बाबा पाकिस्तान आया है मांगने के लिए तब इनका इस्लाम जागता बाकी इनका इस्लाम सोया रखा है 1.7 मिलियन को लात मार के ये लोग निकाल रहे हैं और दुनिया में बता रहा हूं आज की तारीख में ये जो और हमास की जंग चल रही है ना इसके चलते दुनिया का फोकस और अटेंशन वहां पर वरना बड़े बड़े डिप्लोमैट ने बोला पाकिस्तान को यह घटिया हरकत तुम कर रहे हो यार रेफ्यूजी से कोई पैसा लेता है लेकिन पाकिस्तान देश नहीं है दोस्त पाकिस्तान गिद्ध गिद्ध। इट्स लाइक अ वल्चर जब पता लगता है ना कि लाश आने वाली है वहाँ पे या फिर कोई जानवर मरने वाला है तो गिद्ध मडराने लगता है कि मरदा है कब मरेगा कब मरेगा कब खाऊंगा कब अपनी जो चोंच है उसकी बोटी बोटी से ऐसे निकालूंगा मुंह में पूरा माँ का लोथड़ा खा लूंगा दैट इज़ पाकिस्तान 830 डॉलर हर एक अफगान रेफ्यूजी से क्रेडिट कार्ड से दोगे तो ये था आज का वीडियो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर दोस्तों पहला सवाल है ये रतन रत्नदीप रत्नदीप डे ये कह रहे हैं कि जैन सर जैंत रत्नदीप जी मैं रत्नदीप डे त्रिपुरा से मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया लॉस द वर्ल्ड कप मैंने बोला कि बांग्लादेशी बहुत हैं जो खुशियां मना रहे थे बांग्लादेशी क्या आपको नहीं लगता कि ये हेट्रिड बांग्लादेशी लोगों में भारत के खिलाफ चल रहा है नहीं मुझे नहीं लगता कि आप लोग ना क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं मैं तो दिता नहीं मैं देखता नहीं मैच वाइज ठीक है मैं तो मैच वाइज देखता नहीं है बांग्लादेशी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सारे बांग्लादेश छोड़ना कर रहे हैं कुछ हैं कर रहे हैं ठीक है दैट्स ओके okay. इतना स्ट्रेस नहीं लेना क्रिकेट को लेकर बेकार वेकार की चीज़ मतलब ज़्यादा नहीं ठीक है तफरी के लिए ठीक है देख लिया मैच खेल लिया थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना क्रिकेट को लेकर इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट यार है ना कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वो तो है ही देखिए हर एक इस्लामिक कंट्री में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है हर एक इस्लामिक कंट्री में ये मैं आपको ब्लैंकेट एक बात बोल रहा हूं ब्लैंकेट बात हर एक इस्लामिक कंट्री में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है जो कल तक बहुत और सिर्फ सऊदी अरेबिया जहां पे कम हो रहा है सऊदी अरेबिया और यूएई में क्यों कम हो रहा है क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बैठी हुई है मोहम्मद बिन सलमान बैठा है वहां पर वो कह रहा है मैं करने नहीं दूंगा उसने मार मार के रेडिकलाइजेशन कम कर दिया सऊदी अरेबिया का वो फिट करके रखा है सब लेकिन 99% ऑफ इस्लामिक कंट्रीज आप देखिए पाकिस्तान को देख लीजिए एपसोलोट बास्केट केस सीधा जन्नत की बात करते हैं बटन दबाओ जन्नत जाओ बखतरूर पाओ कहा नहीं कहते स्कीम निकाल रखी है पाकिस्तानियों ने तो नाइनटी नाइन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज रेडिकलाइजेशन वेरी हाई एंड आई डोंट रेडिकलाइजेशन हाई यार और बांग्लादेश में क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा वहां पर भी है सोनू ठाकुर जी का है मेजर सर नमस्कार नमस्कार सोनू जी मेरा सवाल यह है कि सरकार जो सर, भारत की सरकार है वो इलीगल माइग्रेंट्स को आ, रोकना नहीं चाहती या रोक नहीं पा रही नहीं रोकना चाहती तो रोक नहीं पा रही क्योंकि बॉर्डर ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल है देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ना आप ये कह रहे हैं रोक क्यों नहीं देते रोकना इतना आसान नहीं है इतनी फौजें नहीं हैं कि आप हर जगह एक सिपाही डाल दें हथियार लेके कि जो आए गोली मार दे अक्सर क्या होता है एक बुढ़ा आएगा उसके साथ एक औरत होगी तीन छोटे बच्चे होंगे मार लो गोली उनको मार दोगे अगर आप उनको वापस भेजोगे तो दूसरे रास्ते से आ जाएंगे आप अमेरिका देखिए ना कितना बजट है अमेरिका के पास दुनिया का अकेला मिलिट्री सुपर पावर है आज की तारीख में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर बोथ अमेरिका अमेरिका रोक पाया मैक्सिको से जो लोग अंदर आ रहे हैं सर के बल खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाया नहीं रोक पाया अमेरिका यार नहीं रोक पाया आप म, ये देखिए ये यू हैव टू लिव विथ सर्टन प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन इसमें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई दोष नहीं है अमेरिका का आप देख लो ना अमेरिका के पास ड्रोन हैं फाइटर जेट्स हैं इन्फेंट्री है मतलब अमेरिका के पास क्या नहीं है यार सैटेलाइट सब तो है अमेरिका अमेरिका के 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 पास 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 और और जितना दोस्तों किसी और के पास नहीं है लेकिन क्या अमेरिका रोक पाया बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल नहीं रोक सकता अमेरिका वृंदा जयंत सर जैंत वृंदा जी मेरा सवाल है कि यूएसए को हर समय इंटरेस्ट रहा है मिडल ईस्ट के और दुनिया भर में जाके इंटरवीन करना यानी दखलंदाजी करने की यूएस की पुरानी आदत है क्या बैकग्राउंड दे सकते हैं कि कैसे यूएस ने इंटरवेंशन करा दुनिया भर में और इसमें ग्लोबल पीस कैसे इंपैक्ट हुआ थैंक यू वृंदा जी अच्छा सवाल है बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है मैं शॉर्ट में आपको जवाब दूंगा कि आप वियतनाम ले लीजिए आप कोरिया ले लीजिए उसके पहले 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था उन्नीस में भाइयों ने गेम शुरू कर दिया था इनके अगर आप साउथ अमेरिका जाएंगे तो उनकी बड़ी लंबी लंबी कहानी है इनके रिसेंट एडवेंचर्स इराक में क्या मतलब था इनका इराक जाने का नाइन अलेवन से तो इराक का कोई लेना देना नहीं है खत्म कर दिया मुल्क अफगानिस्तान खत्म कर दिया सब कुछ खत्म कर दिया अमेरिका ने तो ये आज की पॉलिसी बहुत पुरानी है ये कहते हैं कि जब तक कलेश किसी और के घर में तो घर में में होगा तो हमारे सुख शांति होगी बेहतर है किसी और के घर में कलेश हो और उस फॉलो थ्रू भी करता है अमरीका तो यही हो रहा है हर जगह इंटरफेरेंस कहीं पर सरकार बदली कहीं पर कुछ करा कहीं पर किसी को मरवा दिया ये अमेरिका का नॉर्मल है कोई और करे वो बुरा हो जाता है अमरीका करे जस्टिस है वंडर 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 आई जी हैमस्कार जयंद जराइल ने रिसेंटली यह बोला है कि लश्कर एक आतंकी संगठन है वी हैवेंट कंट्रमड और नेम्ड गाजा एज सच राइट समझ कंट्री और बी न्यूट्रल अच्छा आई वंडर आई वंडर जी आपका यह सवाल है कि भाई हमने गाजा वो कंडेम नहीं करा ऐसी बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि हम टेरर एक्टिविटीज कंट्रोल देखिए दो चीजें इंडिया ये कह रहा है कि आप ठोको हमास को ठोकने के लिए मना नहीं कर रहा है इंडिया आप हमास को ठोको राइट right? लेकिन इंडिया ये भी कह रहा है कि यार वहां पे और लोगों को जो चोट लगी है जो फेलेस्टीनियंस हैं जिनको चोट लगी है जो बेघर हुए हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए दैट इज वॉट इंडिया इज सिंह और आप उनका ख्याल तभी रख सकते हैं हमास उनको निकलने नहीं दे रहा इसराइल ऊपर से बमबारी कर रहा है तो भाई वो जो बच्चा है पाँच साल का उसकी क्या गलती है वो तो नहीं है हमास का मेंबर ना सोचिए आप फ्रॉम अ ह्यूमन परस्पेक्टिव दैट फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हमास दैट ओल्ड मैन सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स और दैट वुमेन कैरिंग टू बेबीज शी इज नॉट अम्बर ऑफ द हमास उसके दिल में क्या है हमास को प्यार करते नहीं करते वो किसी हमास को या अलकायदा को या इस्लामिक स्टेट को प्यार करने से आप आतंकवादी नहीं बन जाते ठीक है और यह भी कोई गारंटी नहीं वो लोग प्यार करते नफरत ही करते होंगे हो सकता है हमास से क्योंकि हमास ने भी बहुत उनके चरस बो रखी है उनके जीवन में लेकिन आई थिंक इंडिया का न्यूट्रल नहीं है इंडिया ने बड़ा अनएक्वेवोकल एक स्टेप लिया है इंडिया ने बोला है कि यू नो स के हम खिलाफ हैं जाहिर सी बात है लेकिन जो पैलेस्टीन हैं जो आ, मासूम हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए और इंडिया ने राहत भी भेजी है उनके लिए तो आई थिंक वॉट इंडिया इज डूइंग इज़ इट्स बैलेंस आउट इज प्रायरिटीज़ परफेक्टली और इंडिया ने बिल्कुल बढ़िया कदम लिया है एक्सलेंट कदम लिया है इंडिया ने तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा वीडियो आज का अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय